पुलिस लाइन में चल रही मॉक ड्रिल में दरोगा जी नहीं डाल पाए बंदूक में गोली, सिपाही के साथ काटे मैदान के चक्कर। आगामी पर्व को लेकर पुलिस प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है, जिसको लेकर आज पुलिस लाइन में दंगा रोकने का रिहर्सल किया गया। इस दौरान एक सिपाही और दरोगा जी से बंदूक में गोलियां लोड नहीं कर मिली। एसएसपी रोहित सिंह सजवान ने दरोगा और सिपाही को सजा में मैदान का चक्कर कटवा दिया। आज दिनांक 24/4/2022 को बरेली पुलिस लाइन में किसी भी आकस्मिक स्थिति एवं दंगा नियंत्रण बलवा नियंत्रण के लिए एक मॉकड्रिल किया गया, जिसमें जनपद के सभी अपर पुलिस अधीक्षक, क्षेत्राधिकारीगण, थाना प्रभारी और उनकी टीम जो आई थी और यहाँ पे दंगा नियंत्रण कराया गया, जिसमें सभी लोगों के द्वारा अभ्यास किया गया एवं श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा कैसे दंगा नियंत्रण पे काबू किया जाए और जब कहीं पे बलवा या दंगा हो रहा हो उसको रोकने के लिए क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए, पुलिस के लिए क्या जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है वो क्या होती है उसके बारे में बताया गया और दंगा नियंत्रण में जितने भी इक्विपमेंट होते हैं उसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई एवं भविष्य में होने वाली पर्व त्यौहार इसको भी ध्यान में रखते हुए कवायद की गई सभी कार्रवाइयाँ सकुशल संपन्न। 12 साल के अब्बास और 10 साल के करीम कुरैशी ने रोजा रख कर की इबादत। राष्ट्रीय मुस्लिम महासभा के उत्तर प्रदेश प्रमुख इम्तियाज कुरैशी के दोनों बेटे अब्बास कुरैशी और करीम कुरैशी ने रोजा रखा। दोनों ही बच्चे बुडरो स्कूल में कक्षा 7 और कक्षा 6 के छात्र हैं। उन्होंने कहा कि रमजान में अल्लाह की खास रहमतें बरसती है। जब कोई व्यक्ति रमजान के महीने में रोजा रखकर इबादत करता है तो अल्लाह उसके पिछले सभी गुनाह माफ कर देता है। वहीं रोजा रखने से जिस्मानी और दिमागी ताकत के साथ ही सब्र करने की भी ताकत मिलती है। साथ ही इस महीने में की गई इबादत और अच्छे काम की 70 गुना नेकी अल्लाह अता फरमाता है।